नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगवीर सिंह है। जगवीर जी आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला झज्जर गांव खानपुर खुर्द से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सन 2002 में संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत कुछ साधना करता था। ब्रह्मा विष्णु महेश की, दादा गुगा की, बजरंगबली हनुमान जी की, इनकी खूब मैं अपनी तरफ से नाम जपया करता और मैंने आसाराम जी से भी नाम लिया था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं छोटी मोटी दुकान थी, फेरी का मेरा काम था और मैं अपना रोहतक सामान लेने के लिए गया हुआ था। कुरुता आश्रम के बाहर से निकला तो मेरे साथ एक भगत था गांव का ही, तो वहाँ से निकले जो वहाँ चर्चा चली तो मैंने उसको कहा भाई मुझे भी आले चल। मैंने नाम तो अपना ले रखा लेकिन मैं यहाँ भी देखना चाहता हूँ कुरुता आश्रम के अंदर। तो मैं जैसे ही उसके साथ कुरुता आश्रम में गया तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को मैंने बताया जी मैंने ऐसे ऐसे आसाराम जी का नाम लिया है और मैं अपनी भक्ति कर रहा हूँ। तो संत रामपाल जी ने बताया भाई वो बेटे नाम गलत है, नाम तो यहाँ से ले ले। तो फिर मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने से पहले मैं उस रात को वहीं रुका था और सुबह जब 4 बजे मैं सोता उठा था तो मेरे सामने चौगर्दन कबीर साहिब की तस्वीर घूम रही थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हमने बहुत गरीबी देखी है और हमारे किसी भी संत में विश्वास नहीं था लेकिन भीतर से गरीबी भी थी और बीमारी भी थी, उनकी वजह से हम इनसे दूर भी नहीं हट रहे थे। हमने इस वजह से ये सोच के नाम भी लिया अगवी देखा हम कुछ हमारे आर्थिक स्थिति सुधर जाए, हमारी बीमारी में कुछ सुधार आ जाए। लेकिन हमारे किसी भी संत पे विश्वास नहीं था लेकिन हम नृत्य लगा लो, गरीबी लगा लो, बीमार लगा लो, इनकी वजह से हम इनकी शरण में गए। वहाँ जाने से हमारी बीमारी दूर हुई। संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करी, हमने गुरु जी को अपनी तकलीफ बताई, बोला बेटा ठीक हो जाएगा। हम ठीक हो गए। 2 बच्चे मेरे छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, वो महीने में 4 बार उनका नमूनिया होया करता। संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करी तो नमूनिया उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया, कभी नमूनिया नहीं हुआ। और मेरे गुदे में चीस होया करती, गुदे में इतनी चीस होया करती मैं लैट्रिन में से उठ नहीं सकूँ था, चल नहीं सकूँ था। संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करी, प्रार्थना करने से हमारे बच्चे ठीक हुए और मेरे जो गुदा में चीज थी वो ठीक हुई और हमारी पत्नी भी बीमार थी। डॉक्टरों को दिखाने के इतने पैसे भी नहीं थे हमारे पास और ऐसे घबरा भी रहे थे अब भाई ये पता नहीं क्या होगा। तो हमने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने से सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, प्रार्थना करने से वो गांठ खत्म हो गई। सर क्या आप नशा भी करते थे? मैं नशा दारू बहुत पीता था और सुल्फा भी पीता था और दारू में बेचूं भी था। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ, मेरा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से वो बिल्कुल नशा छूट गया। मेरा उसका हाथ लगाने का मन नहीं रहा और बीड़ी पीने का भी मन नहीं रहा, न सुल्फा पीने का मन रहा, बिल्कुल छूट गया वो नशा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप मीडिया लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ और मोदी जी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं, कबीर साहब का ज्ञान दे रहे हैं, ये कृष्ण भगवान का गीता जी का ज्ञान है, इस ज्ञान को गोटो मत, इस ज्ञान को अपने भारत में फैलाओ, अपने भारत की रक्षा होगी और हर एक माँ बाप को ये ज्ञान बताओ, अपने बच्चों को समझाएंगे और उन बच्चों की रक्षा होगी, उन बच्चों के ताश छूटेंगे, दारू छूटेगी, सारी बुराई छूटेंगी और सत भक्ति में लगेंगे। और फिर मेरी मोदी जी से ये प्रार्थना है इस ज्ञान को दूसरे देशों में फैलाओ, अपने देश में फैलाओ, इससे हमारा भारतवर्ष जगत गुरु बनेगा और दुनिया में सुख शांति आएगी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा साधना चैनल पर पीली पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर चलते हैं, उस फ़ोन नंबर पर संपर्क करें, फ़ोन करें और हर एक डिस्ट्रिक्ट में नाम सेंटर खोले हुए हैं, वहाँ जाके अपना नाम दे सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साहेब जी।